जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैनकोड EC/ST10 मैच की, जो कि दोस्तों LQ बनाम NCT के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों LQ से आमिर हुसैन, सोहेल अहमद, शाह खालिद, मोहम्मद फारूक, प्रशांत पटेल, नवीद अख्तार, वरुण मल्होत्रा, राणा अब्दुल, नुमन मुनीर, जुनेद भट्टी एंड मोहम्मद मोहसिन। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि LQ की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ NCT की प्लेइंग 11 की। तो रोमन मजूमदार, जैड महमूद, अफ्तिकार जमन, यासिर महमूद, जाहिद हसन, आशीष बम, विकास रित, फहाद महमूद, सगुर रहमान, साविर अहमद एंड सोफियान मोहम्मद। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि NCT की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 11 अप्रैल ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे से दोस्तों ये मुकाबला YV सोनास क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो बैलेंस्ड पिच है दोस्तों, अभी तक यहाँ पर दोस्तों बॉलर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दूँ फर्स्ट इनिंग का जो मैच है उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की। तो यहाँ का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा फ्रेंड्स। बारिश के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको हवा नज़र आएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों NCT जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन। आज का टॉस है LQ टॉस जीत सकती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो दोस्तों मोहम्मद फारूक को आप एज अ स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड नुमन मुनीर को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए एज अ कैप्टन स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स ये खिलाड़ी। हेड टू हेड की बात करूँ, दोनों टीमों के बीच कोई भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैनकोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। पॉइंट टेबल की बात करूँ तो दोस्तों NCT जो कि पहले स्थान पर है और LQ जो कि दोस्तों तीसरे स्थान पर है। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो आप टॉप ऑर्डर बैटर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। विकेट कीपर में दोनों सही हैं, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। पेसर्स का इस पिच पर ज़्यादा रोल रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ विनिंग प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों निकोसिया जो कि NCT जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज ए LQ टीम से, जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं, वो आप दोस्तों NCT के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि LQ के हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, सोहेल अहमद, शाह खालिद, मोहम्मद फारूक, प्रशांत पटेल, राणा अब्दुल, नुमन मुनीर एंड मोहम्मद मोहसिन। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि LQ की तरफ से हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि दोस्तों NCT की तरफ से हैं, रोमन मजूमदार, अफ्तिकार जमन, यासिर महमूद, जाहिद हसन, फहाद महमूद एंड सोफियान महमूद। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि NCT की तरफ से हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि LQ की तरफ से रहे हैं अभी तक, आमिर हुसैन, सोहेल अहमद, शाह खालिद, मोहम्मद फारूक एंड प्रशांत पटेल। बेस्ट परफॉर्मर जो कि दोस्तों NCT की तरफ से रही है, रोमन मजूमदार, जैड महमूद, इफ्तिकार जमन, यासिर महमूद एंड जाहिद हसन। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि NCT की तरफ से रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो दोस्तों आप मोहम्मद फारूक को एज ए स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हो, रोमन मजूमदार को दोस्तों एज आप ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। अफ्तिकार जमन को दोस्तों एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो एंड जाहिद हसन को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करूं फ्रेंड्स, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिएगा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन
आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।